काशी कहो चाहे कहो बनारस या कहो वाराणसी, यहाँ के स्ट्रीट फूड का टेस्ट आपको दीवाना बना ही देगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में मैं आपको यहाँ का बेस्ट से भी बेस्ट स्ट्रीट फूड दिखाने वाला हूँ, जहाँ आप सिर्फ 50 रुपए में हर एक स्ट्रीट फूड का मजा उठा सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है लेकिन जबरदस्त है। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल सबके। अभी मैं हूँ जी बनारस में। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारी बनारस की सीरीज चल रही है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि मैं बनारस के किस गली में हूँ, किस गलियारे में हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। और इस वीडियो के अंदर भाई साहब हम कैप्चर करने वाले हैं यहाँ का स्ट्रीट फूड, जो भाई साहब मस्त मस्त स्ट्रीट फूड आपको मिलेगा। पीछे आप देख भी रहे होंगे, है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा कैमरा एंगल इस एंगल से लगा दिया कि भाई तुम आप लोगों को पीछे का भी दिख जाए। तो चलिए यहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अगर इस मार्केट में आएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें स्ट्रीट फूड खाने को मिलेंगी और कितना खर्चा आएगा आपका, वो सारा मैं आपको बताता जाऊंगा। बस अब शुरू कर रहा हूँ तो एंड तक बैठे रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन भाई साहब मस्त होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इधर तैयार हो रहा है जी डोसा, और ये चटनी वगैरह पूरी रखी हुई है। इसके अंदर बड़े डुबो रखे हैं, दिखाइए जरा खोल के। अच्छा, ये सांभर है, वड़ा नहीं डाला हुआ अभी इसमें। रात वड़े डाल रखे थे, रात आया था मैं यहीं पे टेस्ट करके गया था। ये डाले हैं देखिए। ओहो, कैसे कैसे रहता है भैया? 21 रुपया और डोसे का प्लेट कैसे रहता है? 50 रुपए का प्लेट। तो यहाँ जी आपको ढोकला भी खाने को मिलेगा, वड़ा भी मिलेगा, समोसे, इडली, और इसको क्या लता क्या कहते हैं भैया? लौंग लता। तो ये लौंग लता होती है जी, और बिहार के अंदर बड़ी फेमस होती है, मतलब फेमस डिश होती है बिहार के स्वीट वाली, है ना। तो इधर मसाला डोसा अभी भैया कर रहे हैं तैयार, सिंपल डोसा। मैं इससे पहले एक मार्केट में रात को मैं घूमने आया था, तो यहीं पे मैंने डोसा और वड़ा ट्राई किया था, हजारेदार का, और 50 रुपए में आपको डोसा खाने को मिलेगा, वो भी मसाला डोसा। तो और क्या चाहिए बताइए आपको? डोसा भाई साहब मसाला डोसा तो दबा दब चल रहा है सिस्टम, और ये भी रेडी है। उधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जी बड़े तैयार हो रहे हैं अंदर, है ना, गर्मा गर्म। बड़ा नहीं है, क्या क्या कहते हैं अंकल इसको, क्या चीज है ये? दाल वड़ा। ये जी दाल वड़ा है यहाँ पे। ये कैसे पीस रहता है? 30 रुपए। अच्छा 15 रुपए का एक। ओके, क्या बात है, इसको दाल वड़ा कहते हैं जी। बाकी इडली वगैरह सारी चलती रहती है, सिस्टम बनता रहता है, है ना। ओके यार, यार इधर ज्यादा दुकान है वैसे अंकल, साउथ इंडियन है ना, ऐसा क्यों? अच्छा ज्यादा आते हैं इसलिए। चलिए जी एक स्लॉट तो जा रहा है अंदर, बढ़िया। आगे धनिया धनिया वाली चटनी, पालक 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 की चटनी है, क्या बात। और बाल्टी के अंदर ये सिस्टम पूरा बना के रखा हुआ है जी इन्होंने, बढ़िया। तो दुकान नंबर क्या है अपना? साउथ इंडियन डोसा इडली पूरी जलेबी। तो ये मतलब बिल्कुल घाट के बिल्कुल पास वाली दुकान है जी, तो आप आइएगा तो भाई साहब इनका डोसा वगैरह टेस्ट कीजिएगा। और इधर जी आपको मिलेगी लस्सी भंडार, कृष्णा लस्सी भंडार, है ना, लस्सी वगैरह बढ़िया तरीके वाली, बिल्कुल फेंट के आपके सामने दही की लस्सी बनाई जाएगी फेंट के, है ना। कैसे गिलास रहता है भैया? 50 रुपए का एक। कितने ग्राम आ जाते होगी इसमें?
तो ये जी आपको 50 रुपए का एक मिलेगा, ऐसा कुल्हड़ मिलेगा, और 50 रुपए में 250 ग्राम आपको दही मिलेगी रड़क के, बढ़िया मीठी, जितना आप मीठा चाहें उतना मीठा डाल सकते हैं, आप चलवा सकते हैं, है ना, उसी के हिसाब से फिर चीजें बनती रहेंगी। ये मार्केट पूरी आगे तक मार्केट है जी, पूरी मार्केट में आपको दिखाने वाला हूँ, है ना। तो अभी तो जस्ट मैंने स्टार्टिंग की है, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और इधर ये भैया शायद ये झारमुड़ी लगा के खड़े हैं, इसको झारमुड़ी कहते हैं भैया ना। अच्छा, कैसे प्लेट लगाते हो? 20 रुपए का, क्या बात है। अच्छा, इसमें क्या क्या डालते हो भला? ये हो गए चना, बादाम और नमकीन। अच्छा, यहाँ मूंगफली को बादाम कहते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, पर इधर ज्यादा बादाम ही कहते हैं ना मूंगफली को, बहुत बढ़िया। तो अभी हम आए हैं जी ये माँ शारदा भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी भोजन, है ना। तो ये भैया शायद यहाँ पे ये मोमोज हैं, ये फ्राइड मोमोज रखे हुए हैं, ये मोमोज हैं। कैसे कैसे हैं भैया मोमोज, दिखाएंगे जरा एक बार। ओहो हो, क्या बात है। मतलब मिक्स मिलेंगे, वेज मिलेंगे, और कौन सा है? मिक्स और वेज। तो ये मोमोज हैं भाई साहब, ये फ्राइड इनके शायद एक क्रंची मोमोज, कुरकुरे मोमोज जिसको कह सकते हैं। ओहो, रेड चटनी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखिए जी, अगर दिल्ली से आके आप काशी आके अपने मोमोज वगैरह को मिस कर रहे हो ना, तो भाई साहब मोमोज आप यहाँ पे आके खा सकते हो। इन्होंने अपना नाम यहाँ पे लिखा बता रखा है जी, स्पाइसी मोमोज, मिक्स वेज मोमोज मिलेंगे, वेज मोमोज मिलेंगे, पनीर क्रंची और फ्राई मोमोज, है ना, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है भैया, टेस्ट बढ़िया एकदम, गजब गजब। गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा, गाजियाबाद से आए हो, यहाँ आके मोमोज मिस करते हैं लोग, है ना। इधर ना एक चीज मैं आपको बता दूं जी, साउथ इंडियन फूड आपको ना बहुत ज्यादा मिलने वाला है, इडली मिलने वाली है, सांबर वगैरह मिलने वाला है, और वड़े मिलने वाले हैं, है ना। तो हर एक चीज मतलब साउथ इंडियन की, मतलब मैंने अब तक देखे ना 30 स्टॉल है यहाँ पे, स्टार्टिंग से अब तक मैं जैसे यहाँ पे आया हूँ, तो भाई साहब इडली वगैरह मिलेगी आपको बढ़िया, और ये अपना चलता रहता है इसका इडली करने का। कैसा लग रहा है टेस्ट भैया? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। तो टेस्ट तो जी देखिए कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कहते हैं ना कि अगर बनारस आ रहे हो तो भाई साहब टेस्ट तो भयंकर मिलने वाला है आप लोगों को। ऐसे इधर देखिए, ये भी रियल मैजिक है, और यहाँ पे भी वही अपना मेदू वड़ा हो गया, है ना, ये दाल का वड़ा हो गया, और ये इडली हो गई, और डोसा वगैरह जो है चलता रहता है। और यहाँ पे भी देखिए पूरा डोसे का सिस्टम बना रखा है। कैसे है भैया डोसा? 50 रुपये, वही सेम प्राइस है जी डोसे का, जो भी है 50 रुपए आपको खाने को मिलेगा, और वो आप अपने तरीके से इसको कस्टमाइज भी करा सकते हैं कि भाई आपने मसाला डलवाना है नहीं डलवाना, ना सिंपल वही अपना सिंपल वाला डोसा हो गया, सिंपल दूसरा मसाला डोसा हो गया। तो कहते हैं मसाला डोसा, साथ में दो तरह की चटनी देते होंगे आप। चलिए जी, हो गया ये पैक तैयार उधर, और ऐसे ही डोसा बनता रहेगा और लोग आते रहेंगे, डोसा खाते रहेंगे। चलिए मैं आगे आपको और भी मार्केट दिखा देता हूँ, क्योंकि जी ये मार्केट बहुत बड़ी है, और जिस मार्केट में मैं अभी हूँ उसका मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा,
वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस मार्केट में हूँ मैं बनारस की। तो चलिए आगे और भी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का स्ट्रीट। और यहाँ आपको ना जी हर छोटी छोटी जगह पे, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे, 500 मीटर की दूरी पे या 200-300 मीटर की दूरी पे ना चाय मिल जाएगी। और चाय का भी यहाँ पे ना एक मतलब खूबी ढंग है बनाने का, जिसको कहते हैं ना सीढ़ी के ऊपर चाय बनाना। अगर आपने मेरी पटना की सीरीज देखी होगी ना, तो उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमने जहाँ पे भी चाय पीना वो वहाँ पे सीढ़ी पे बना के ही तैयार की जाती है ना। और एक छोटे छोटे इसको कुल्लड़, क्या कहते हैं इसको, कुल्लड़ ही कहते हैं इसको, कुल्लड़ कहा जाता है ना। इसी पे ही चाय तैयार की जाती है। तो एक कोयला चलाया जाता है जी, सुबह से लेके शाम तक रहता है ना कोयला, नीचे पंखा चला दिया होगा, सिस्टम बनता रहेगा। वाह जी वाह, तो ऐसे चाय तैयार की जाती है जी, बढ़िया। तो इधर भी वही जी डोसा है ना, साउथ इंडियन फूड भाई साहब आपको मिलने वाला है, बढ़िया तरीके वाला है ना। कैसे भी आप जाइए, कहीं भी खाइए, बढ़िया वाला मिलेगा। कैसे कैसे दिया डोसा? 40 रुपए का मसाला डोसा, 40 रुपए। वहां उधर जो मैंने आपको दिखाया हुआ जिसमें 50 रुपए रेट था, यहाँ 10 रुपए कम आ गया है ना, बहुत बढ़िया। ये जी है श्री देव गुरु बृहस्पति, बृहस्पति के पास में है जी भैया जी, जो डोसा बनाते हैं यहाँ पे। और हर जगह से 10 रुपए सस्ता मिलेगा, वैसे 50 रुपए है लेकिन 40 रुपए आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी लगेगा, सिस्टम बनेगा। इसमें इडली होगी, दिखाएंगे जरा एक बार। अच्छा बन रहा है अभी। तो भाई साहब देखिए, 80 रुपए की शुद्ध शाकाहारी भोजन की थाली है ना, पेपर डोसा, मसाला डोसा, हर एक चीज आपको मिलेगी खाने को। जैसे यहाँ पे इमरती है, लुकिंग लाइक इमरती, लेकिन मेरे को जलेबी लग रही है ना। वही समोसे के अंदर छोले छोले डाल के भाई साहब बढ़िया है ना, हर एक तरीके का फूड मिलने वाला है जी आपको इस मार्केट के अंदर। हल्का खाना चाहते हो, भारी खाना चाहते हो, वो आपके ऊपर अपना डिपेंड है। अभी जहाँ पे मैं हूँ ये है शिवम स्वीट्स करके है ना, इनका मेन्यू आप चेक कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। 4 रोटी और 2 सब्जी आपको 50 रुपए में खाने को मिल जाएगी भाई साहब। इससे ऊपर और क्या चाहिए आपको, अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर आ रहे हो। और इन टूरिस्ट प्लेस पर आकर इनसे भी बचेगा जी मांगने वालों से। अभी देखिए, क्योंकि आज शनिवार है तो इस वजह से भीड़ कितनी है ना। अभी गंगा आरती का भी टाइम हो गया, तो गंगा आरती के टाइम की वजह से ना थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे टाइम नजदीक आता रहेगा, वैसे वैसे भीड़ जो है उतनी बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही बढ़िया। तो आपने मेरी एक शॉर्ट्स देखी होगी जी, वो मैं यहीं पे खा के गया था। और इनका मतलब समोसा रहता है, साथ में ब्रेड रहता है और आलू वड़ा रहता है ना, और भी क्या क्या चीजें हैं। किया टेस्ट कुछ किया? अच्छा किया नहीं है अभी। तो ये छोला ही डाल के देते हैं जी समोसे समोसों के अंदर, और भाई साहब गजब टेस्ट है, टेस्ट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे समोसा भैया कैसे, 25 रुपए प्लेट रहती है? 25 रुपए के 2 समोसे मिलते हैं जी है ना, जिसमें आप चने डलवा के छोले की सब्जी डलवा के खा सकते हो बढ़िया तरीके से। और अगर मैं यहाँ के इनकी एड्रेस की बात करूँ तो भाई साहब मनी एक्सचेंज कैश पॉइंट करके है, और वैभव करके माँ अम्बे टी स्टॉल के बिल्कुल सामने है। तो आप बढ़िया तरीके से खा पी सकते हैं, और ब्रेड वगैरह गर्म गुरम बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना के देंगे आपको। उधर सिस्टम इनका पीछे भट्टी चल रही है। तो अभी मैं जिस बाजार में घूम रहा हूँ ना,
तो आप ये विचार लगाइए, ये विश्वनाथ जी की गली है, मतलब क्या कहते हैं यार उसको, विश्वनाथ मंदिर वाला जो रोड जाता है ये वो वाली गली है जी। और इस मार्केट के अंदर ना, इस गली के अंदर, इस गलियारे के अंदर, इस रोड के ऊपर आपको भाई साहब जो स्ट्रीट फूड खाने को मिलेगा ना, आप हिसाब लगाइए कि जितने भी पुराने से पुराने, जितने भी पुराने से पुराने लोग हैं जो वाराणसी के अंदर, बनारस के अंदर अपने जायके जो हैं बिखेर रहे हैं, वो हर एक चीज़ आपको इस गली के अंदर, इस रोड के ऊपर खाने को मिल जाएगी। और क्योंकि घाट भी पास में है तो और भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ें आप लोगों को खाने पीने को मिलेंगी यहाँ पे। अभी भीड़ क्योंकि यहाँ पे इसलिए है क्योंकि एक तो गंगा आरती भी होने वाली है, गंगा आरती का जो समय है वो 7 बजे का समय है और अभी जो टाइम हुआ है वो 6:30 के आसपास का हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बनारस की हमारी सीरीज आपको कैसी लग रही है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फिर बाय बाय।